हे गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल बीकॉम वाले आज की वीडियो में हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का सेकंड चैप्टर काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं तो शुरू करते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइव मार्क्स के लिए भी फिफ्टीन मार्क्स के लिए भी तो देखते हैं सेक्शन थर्टीन ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन डील्स विद ओनली थ्री काइंड्स मतलब इन तीन के सिवाय कोई और नहीं है और ये तीन ही है सबसे पहला प्रोमिसरी नोट अंडर सेक्शन फ़ोर बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन फ़ाइव चेक अंडर सेक्शन सिक्स और अदर अदर्स तो वो अंडर डिफरेंट सेक्शंस हैं तो हम उनको देखेंगे तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो शुरू में नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की इट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ़ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है लेकिन प्रोमिजरी नोट के लिए आपको एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती सबसे पहला प्रोमिजरी नोट अंडर सेक्शन फोर सेक्शन फोर ऑफ एक्ट डिफाइंस प्रोमिजरी नोट एज अ प्रोमिजरी नोट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन राइटिंग इन राइटिंग हम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट में भी देख चुके हैं कि नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में ही नहीं राइटिंग में ही होता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल क्लियर और प्रिसाइज अंडरटेकिंग जो साइन की जाती है बाई मार्कर टू पे अर्टन सम ऑफ़ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टन और टू बियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट वैसे तो प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इसकी आप डेफिनेशन देखोगे ना वो थोड़ी थोड़ी सेम भी मिलेगी कि राइटिंग में तो है ही ये कंटेन करता है अनकंडिशनल अंडरटेकिंग जो साइन की जाती है एक मार्कर से टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू या फिर ऑर्डर पर या फिर बियरर तो एक प्रोमिसरी नोट क्या है एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एंड कंडीशनल अंडरटेकिंग सैंड बाय मार्कर मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑर्डर से या फिर बियरर तो आप इसको ऐसे फ्लो चार्ट बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो फ्लो चार्ट में भी वही सेम चीज़ लिखी है डेफिनेशन में भी वही सेम चीज़ है और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हुए लिखोगे तो भी आपको ये सेम ही मिलेगा तो एक ही चीज़ से आपका सब बन जाता है तो प्रोमिसरी नोट को आप यूज़ कब कर सकते हो डेटा इन ऑर्डर टू पे टू क्रेडिटर मेक नोट्स एंड साइंस ऑन इट या फिर नेम्स ऑफ डेब्टर और क्रेडिटर चेंज तो डेब्टर बिकम्स द मेकर और जो क्रेडिटर है वो पे ही बन जाता है हम एग्जांपल्स देखते हैं प्रोमिसरी नोट्स के जहाँ पर प्रोमिसरी नोट में कोई टाइम मेंशन नहीं किया लाइक आई प्रॉमिस टू पे राम नारायण शर्मा और ऑर्डर रुपीज़ ट्वेंटी वन थाउजेंड ओनली मतलब इसके अंदर आपने कोई टाइम मेंशन नहीं किया कि मैं उनको ये पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट कितने टाइम में दूंगा सेकेंड है प्रोमिसरी नोट जहाँ पे टाइम मेंशन है आई प्रोमिस टू पे राम नारायण और ऑर्डर रुपीज़ ट्वेंटी वन थाउजेंड ओनली आफ्टर टू मंथ्स मतलब इसके अंदर टू मंथ्स हमारा टाइम आ गया प्रामिजरी नोट पेबल ऑन डिमांड जब भी हमारा पे डिमांड करे आई प्रोमिस टू पे रामनारायण शर्मा और ऑर्डर ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ ऑन डिमांड तो ये तो ईजी था असेंशियल्स ऑफ अ प्रोमजरी नोट प्रोमजरी नोट एक नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है आप इसके अंदर भी ये लिख सकते कि वो रिटर्न में होना ज़रूरी है पर एक प्रोमिजरी नोट फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है दैट इज़ एक नेगोशियेबल देव फॉर नेगोशियबल इज़ नोन एज नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रोमिसरी नोट फ्रीली ट्रांसफ़र है एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर इट्स ड्यू डेट वो ट्रांसफ़र तो आप उसको फ्रीली कर सकते हो बट इसके अंदर ड्यू डेट का एक असेंशियल रोल होता है एंड अदरवाइज इट मस्ट सेटिसफाई असेंशियल ऑफ नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में नैगोशियबल इंस्ट्रोमेंट के करेक्ट्रिस्टिक्स देखे थे जिसे असेंशियल भी बोल सकते हैं अगर वो पूरे कर रहे हैं तभी एक प्रोमिसरी नोट को हम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे और प्रोमिसरी नोट का इसेंशियल ही ये है कि प्रोमिसरी नोट एक नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके लिए आपको फुल चैप्टर की वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो वैसे तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने वीडियोस इसी ऑर्डर में अरेंज है कि आप कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा तो आप आराम से देख सकते हो सेकेंड इन राइटिंग सेकेंड वही पॉइंट आ गया एवरी नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बिन राइटिंग एंड ओरल प्रामिस टू पे डज नॉट बिकम अ प्रोमिसरी नोट अगर आप ओरली बोल रहे हो कि मैं इस पर्सन को ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करूँगा या करूँगी इट डज नॉट डिफाइन एड कि वो एक प्रोमिसरी नोट है एक नगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है इट इज़ एन अंडरटेकिंग दैट इज़ प्रामिस टू पे एक वैलिड प्रोमिसरी नोट मस्ट एक्सप्रेसली स्टेट कि वो एक प्रॉमिस कर रहा है टू पे मनी टू द अदर पर्सन अनलेस कोई लैंग्वेज यूज फॉर प्रोमिसरी नोट इज़ नॉट क्लियर तो मेकर को प्रामिस करना पड़ता है टू पे पेई इट शैल नॉट कंस्ट्रू अ वैलिड प्रोमिसरी नोट फॉर एग्जाम्पल रिसीव डू फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम नारायण शुक्ला विच हैव टू बी पे टू हिम फोर्थ होता है हमारा इज अ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ये तो हमने नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के करेक्ट्रिस्टिक्स में भी देखा था वैसे तो सेम ही होंगे प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के भी असेंशियल्स सेम ही होंगे कुछ सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स अब तीनों डिफरेंट है तो उनके असेंशियल्स भी कुछ तो डिफरेंट होंगे ही तो इज असेंशियल इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल अगर मेकर प्रॉमिस कर रहा है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा किसी कंडीशन या फिर किसी हैपनिंग ऑफ कोई चीज़ तो इट वुड बी कंडीशनल प्रॉमिस तो वो एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है तो अनकंडीशनल होना चाहिए बिना किसी कंडीशन के आप कॉन्ट्रैक्ट करो और अंडरटेकिंग जो भी हमारी है हमारी ये तो हम पहले भी किया है हमने इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले जो पिछला है वो रिवाइज करो अगर बाय चांस आप कोई चैप्टर स्किप करके तब सेकंड शुरू करें तो उस के इसमें आपको खुद का थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा एक तो आप वीडियोस भी स्किप करो या कोई भी आप चैप्टर भी स्किप करो तो वो तो फिर आपको खुद ही समझना पड़ेगा अगर इस चैप्टर में कोई पॉइंट्स आ रहे हैं या किसी भी आगे वाले चैप्टर्स में किसी पिछले चैप्टर के आ रहे हैं तो फिर वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे फिफ्थ मस्ट बी साइन बाय द मेकर एक इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाय द मेकर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है उसमें

तो इसमें क्लियर नहीं है उसमें सेकंड केस में उसने ये तो बोल दिया कि मैं उसको फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ दूँगा पर तब जब जो उसने मुझे पैसे देने वो डिडक्ट करके तो अब उसके अंदर यही सर्टेन नहीं है कि उसने कितने मनी देना है और फिर नेक्स्ट अमाउंट कैसे निकलेगा सेवन टू पे मनी ओनली तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिड्रेशन इज़ अवॉइड एग्रीमेंट ये भी हम कर चुके हैं वैसे तो ये सारे इसेंशल्स नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट से मैच हो रहे हैं पर वो अपना रोल प्ले करेंगे नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में और प्रोमिसरी नोट में वो अपना वैसे तो प्रोमिस नोट का सबसे पहला असेंशली ये है कि वो एक नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट हो एट है हमारा पेबल टू ऑर्डर और, और बियरर द तो प्रोमिस नोट मस्ट बी स्पेसिफ़िक क्लियरली द नेम या फिर डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन हु इज़ टू तो रिसीव द पेमेंट सेक्शन फोर के अकॉर्डिंग इट्स प्रोमिसरी नोट मस्ट बी पेबल एक सर्टेन पर्सन को टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन या फिर एक बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोथ पार्टीज मस्ट बी सर्टन दो जो इसके अंदर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है जो एक पहली जो प्रोमिसरी नोट बनाती है मेकर जिसको डेटर पे करता है या फिर उसको जिसको पेमेंट रिसीव होती है पे द क्रेडिटर हु हैजू रिसीव द पेमेंट तो प्रोमिसरी नोट मस्ट भी क्लियरली स्टेट कि कौन मेकर है कौन पे है तो मेकर मस्ट साइन अ प्रोमिसरी नोट एंड द नेम ऑफ पे मस्ट बी क्लियरली मैंशनड ऑन प्रोमिसरी नोट टेंथ है हमारा प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड तो प्रोमिसरी नोट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड ये हम कर भी चुके हैं टाइम और वो सब शुरू में जो हमने तीन चीज़ें की थी यहाँ पे दिया भी हुआ है प्रोमिसरी नोट इज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड उसके अंदर स्पेसिफाइड हो ऑन पेमेंट ऑफ एट साइट ऑन पेमेंट ऑन प्रजेंटेशन सेक्शंस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शंस की हमेशा से सब हेडिंग्स हेडिंग्स उनमें ज़्यादा रोल होता है पॉइंट्स के पॉइंट्स के पॉइंट्स में नहीं तो प्रोमिसरी नोट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें प्रोमिसरी नोट क्लियरली स्टेट करते हैं कि उसकी मेचोरिटी डेट क्या है वेन टू डेट ऑफ प्रोमिसरी नोट क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होती तो इट शुड बी पेड अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल देख सकते हो आई प्रामिस टू पे एक्स रुपीज़ थाउजेंड ऑन फर्स्ट एप्रैल ट्वेंटी फिफ्टीन तो ये एक ऐसा नोट है जिसमें पेबल ऑन डेट स्पेसिफाई की गई है मेचोरिटी ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट सेक्शन ट्वेंटी टू में ऑफ़ द एक्ट मेचोरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज एक डेट वो होती है एट विच इट फॉल्स ड्यू तो प्रोमिसरी नोट में भी वो जो पेबल हो डिमांड पर या फिर पेबल अदरवाइज तो डेज ऑफ ग्रेस प्रॉमिशरी नोट या फिर बिल ऑफ़ एक्सचेंज विच नॉट पेबल ऑन डिमांड नॉट पेबल एट साइट या फिर नॉट पेबल ऑन प्रजेंटेशन तो इज एन टाइटल फॉर थ्री डेज ऑफ ग्रेस वाइल कैलकुलेटिंग इट्स मेच्योरिटी डेट अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज तो ये सेक्शन फाइव के अंडर कवर होता है तो ये भी नाइनटीन एटी वन में ही हुआ था इंट्रोड्यूस इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो इट इज़ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो कंटेन करते एक अनकंडीशनल ऑर्डर जो मेकर ने साइन किया डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी या तो ऑर्डर पर या फिर बियर पर तो इसके अंदर वैसे ये लिखा हुआ है नोट फॉर स्टूडेंट्स अगर आप इसेंशल्स भी याद कर लो तो आप डेफिनेशन उसमें से निकाल सकते हो तो एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले सबसे पहला बिल ऑफ़ एक्सचेंज पेबल हो डिमांड पर एग्जाम्पल की पे टू आर या फिर बियर ऑर्डर सम ऑफ मनी नाइंटी थाउजेंड ऑन डिमांड मतलब जब डिमांड होगी तब हम पे कर दें सेकेंड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन अ फ्यूचर डेट मतलब एक पर्टिकुलर डेट है फ्यूचर डेट लाइक आफ्टर थ्री मंथ्स और एक डेट दे दे थर्ड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेमेंट आफ्टर साइट टू मंथ्स आफ्टर साइट टू आर तो आफ्टर साइट आप पेमेंट दे रहे हो ड्यू डेट कैसे निकालते हैं इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है पर ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है लास्ट ऑफ द टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नॉट पेबल ऑन डिमांड तो उसको हम टाइम बिल एक्सचेंज बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा असेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ़ एक्सचेंज एक निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी है अब इसमें उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप प्रोमिसरी नोट के फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो सेकेंड इन राइटिंग मैंने पहले भी कहा था सेम ही होंगे इनके इन राइटिंग एक नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर आप हर किसी में डाल सकते हो और थर्ड है इज़ एन ऑर्डर अनलाइक अ प्रोमिसरी नोट ये थोड़ा डिफरेंट है एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रोमिस नहीं होता कि पे करना ही पड़ेगा लेकिन इट इज़ एन ऑर्डर जहाँ पे ड्रॉई को ड्रॉई ऑर्डर करता है ड्राई को ऑर्डर मिलता है ड्रावर से कि वो पेमेंट करे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं हम पहला देख लेते हैं मिस्टर लिटल प्लीज लेट द बीयर से हैव सेवन पॉइंट्स एंड योर हम्बल सर्वेंट आर इस केस में इट वाज हेल्ड जो हमारा पेपर है वो एक डिमांड नहीं है बाय अ पार्टी ऑर्डरिंग द दर टू पे मतलब इसके अंदर एक पर्सन आर प्लीज़ कर रहे मिसर एल को कि वो पे कर दे तो द फेयर मीनिंग इज दैट दार्टी शाल उबली बाई डूइंग इट जो भी हमारी पार्टी है शुड अब्लाई डूइंग इट फोर्थ है हमारा इज़ एन अनकंडीशन ऑर्डर मतलब कोई भी कंडीशन उसमें ना हो तभी हम उसको करेंगे तो ये भी प्रॉमिसरी नोट में हम कर चुके हैं मस्ट भी साइन बाय द ड्रॉयर तो ड्रॉवर जो ड्रॉ कर रहे है बिल को वो साइन कर दे उससे मस्ट भी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई अनलेस अगर जब तक बिल एक्सेप्ट ना कर रहा है ड्रॉई तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा लॉ के आइज़ में विच इज़ टू बी एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई इज़ मस्ट बिल ऑफ़ एक्सचेंज तो इट इज़ ऑनली ऑन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कब हो सकती है जब एक ड्रॉइ को हम बुलाए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंडर या फिर जो हमारी ड्यू डेट है उसको कैलकुलेट करें ड्यू डेट का फॉर्मूला दिया है जो कि होगा हमारा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस उसमें हम क्रेडिट पीरियड जो भी हम अलाउ कर रहे हैं वो और प्लस थ्री डेज ऑफ ग्रेस नेक्स्ट है हमारा टू पे सर्टेन सम या प्रोमिसरी नोट में हम कर चुके हैं टू पे मनी ओनली ये भी हम प्रोमिसरी नोट में कर चुके हैं पेबल टू ऑर्डर या फिर बियर तो एक प्रोमिसरी नोट की तरह बिल ऑफ़ एक्सचेंज को भी आप पेबल कर सकते हो टू ऑर्डर या फिर बियरर टेंथ पॉइंट है हमारा पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ़ एक्सचेंज तो कौन सी कौन सी पार्टीज़ होती है ड्रॉवर ड्राई और पेई तो ड्राई होता है जो ड्राई ड्रॉ draw करता है बिल को ड्राई होता है हमारा टू होम बिल इज़ ड्रॉन तो ड्राई एक्सेप्ट करता है बिल को इसलिए उसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं ड्राई और एक्सेप्टर सेम होता है ड्रॉर तो जिसको ड्रा किया गया पे वन हु इज़ एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट ऑन बिल ऑफ़ एक्सचेंज तो पे वो होता है जनरली जो हमारा पे है ड्रॉर का बट अगर बिल को एंडोर्स किया गया है तो जो पार्टी के पास कस्टडी होगी बिल की उसको हम इंडोसी बोलेंगे तो वो हमारा इंडोसी ही हमारा पे बन जाता है नेक्स्ट है बिल ऑफ़ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड तो ये भी हम कर चुके हैं बिल ऑफ़ एक्सचेंज एक्सचेंज कब कब पॉसिबल है इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड या फिर पेमेंट एट साइट या फिर पेबल ऑन प्रेजेंट पेंट ये भी सेम पॉइंट है से जो हम प्रोमिसरी नोट में करके आए हैं बिल ऑफ़ एक्सचेंज इज पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सप्रेस टू पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका पहला वेन इट इज़ मेड ऑन वन डेट बट इट्स एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सम अदर फ्यूचर डेट तो एग्जाम्पल है कि बिल ऑफ़ एक्सचेंज जो है वो हमारा ड्रॉ हो रहा था फर्स्ट चैन को विच इज़ टू बी एक्सप्रेस पर वो पेबल हो रहा है हमारा फर्स्ट अप्रैल को मतलब फर्स्ट अप्रैल का फर्स्ट जान को हो गया तो पहले हो गया एग्जाम्पल बाकी यही होंगे कि पहले हो रहा था बाद में हो गया बाद में डेट थी और उसके बाद में हुआ या फिर उसी डेट के आसपास हो गया थर्टीन है हमारा मेच्योरिटी ऑफ़ पिल ऑफ़ एक्सचेंज मेच्योरिटी डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिटमाइंड डिपेंडिंग वेदर बिल payable ऑन डिमांड या फिर अदरवाइज देन ऑन डिमांड फोटीन है हमारा डे ऑफ ग्रीस ग्रेस वैसे असेंशियल हमारा तीन दिन है ये हम देख चुके हैं फॉर्मूला में भी बाकी आप फोटी जो हमारा प्रोमिसरी नोट का essential आप उसमें देख सकते हो ये एक डिफरेंस बिटवीन है प्रोमिसरी नोट ऑफ bill ऑफ एक्सचेंज में करते हैं डेफिनेशन प्रामिसरी नोट की डेफिनेशन फोर्थ सेक्शन के अंडर है बिल ऑफ एक्सचेंज की फिफ्थ के अंडर पार्टीज दो पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट में मेकर और पेई बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई और पेई एक्सेप्टेंस प्रामिसरी नोट में रिक्वायर्ड नहीं होती बिल ऑफ एक्सचेंज में रिक्वायर्ड है अनकंडीशनल प्रोमिस या फिर ऑर्डर प्रोमिसरी नोट के केस में इट इज़ अनकंडीशनल प्रामिस बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है लेकिन प्रोमिसरी नोट में प्रमिस होता है सिग्नेचर प्रोमिसरी नोट में मस्ट बी साइड बाय मेकर जो कि हमारा डेटर होता है हु मेक्स द नोट एंड हैज़ टू पे इट आल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्राई स्टोन बाय द ड्रॉअर या फिर एंड साइन बाय ड्रॉअर लेकिन जो ड्राई होता है उसको एक्सेप्टेड ज़रूरी है जब तक तो वह एक्सेप्टेड वर्ड नहीं लिखेगा और साइन नहीं करेगा तो उसके अंदर दोनों का रूल है तो प्रजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस प्रोमिसरी नोट इज नेवर प्रजेंटेड फॉर गेटिंग एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट किया जाता है बाई ड्रॉअर टू मेक टू ड्राई ताकि ड्रॉई एक्सेप्ट कर ले आइडेंटिटी ऑफ क्रिएटर ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट इज मेड बाई डेटर बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाई क्रेडिटर लाइबिलिटी टू पे लाइबिलिटी टू पे प्रामिसरी नोट इज ऑफ मेकर जो कि हमारा डेटर होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रा ही होता है पेबल टू बियर एक प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियर जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कैन बी ड्रॉन पेबल बाय टू बियरर नोटिस ऑफ डिसऑनर इन केस ऑफ डिसऑनर प्रोमिसरी नोट में कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता लेकिन डिसऑनर के केस में इट इज असेंशल प्रोमिसरी नोट कभी भी सेम नहीं हो सकते बिल ऑफ एक्सचेंज सेम नेक्स्ट है हमारा चेक अंडर सेक्शन सिक्स वैसे तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिफ्टीन मार्क्स के लिए चेक फिफ्टीन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये दोनों भी एसेच इकट्ठे या फिर काइंडस ऑफ नगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़े इम्पॉर्टेंट है तो चेक क्या होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेश स्पेसिफाइड बैंकर जो एक्सप्रेस नहीं है तो हम इसेंशन देखते हैं चेक के चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक इज इन राइटिंग प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम सेम कर सकते हैं अगर आपको इसके आगे की डेफिनेशन देखनी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं वरना आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़्यादा पहले याद होनी चाहिए तो चेक एक ऑर्डर होता है एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है टू पे सर्टेन सम टू पे मनी ओनली चेक में बी पेबल टू ऑर्डर या फिर बियर ये हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज एक चेक के केस में ड्राई और ड्र चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर तो एक मेच्योरिटी ऑफ अ चेक इज एज या फिर जब भी उसको डिमांड किया जाए बट जो उसका पीरियड होता है इज सिक्स मंथ्स अगर चेक आज इशू है तो उसका जो भी अमाउंट आप बैंक से निकलवा सकते हो इस पर्टिकुलरली सिक्स मंथ्स तो चेक शुड हैव डेट एसेंशियल्स ऑफ चेक के सेम ही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ डिफरेंट होंगे तो वो कुछ अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं और वो इजी है एग्जांपल दिया हुआ एक चेक का आपने चेक देखा भी होगा मिस कल्याणी पब्लिशर इशू करते है चेक व टेन लाख टू जॉय फॉर रॉयल्टी पेमेंट तो इसके अंदर सब चेक जैसा दिखता है वैसा दिया हुआ है ये एक ऑर्डर चेक का एग्जाम्पल है एक बियर चेक कौन सा होता है जिसके अंदर सेल्फ लिखते हैं इस केस में नाम मेंशन है तो ये एक ऑर्डर चेक होगा ये डिफरेंस बिटवीन है बिल ऑफ़ एक्सचेंज और चेक के बीच तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो हमारी डेफिनेशन है वो अंडर फाइव है चेक की हमारी अंडर सिक्स है पार्टीज़ बिल ऑफ़ एक्सचेंज में ड्रॉर और ड्रॉई चेक के केस में ड्रॉर और ड्राइ ब्राइ इज़ ऑलवेज अ बैंकर एक्सेप्टेंस बिल ऑफ़ एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट है चेक में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड ही नहीं है ग्रेस डेज बिल ऑफ़ एक्सचेंज केस में थ्री होते हैं वाइल कैलकुलेटिंग मेचोरिटी डेट लेकिन चेक के केस में नहीं होते आइडेंटिटी ऑफ ड्राॅ ड्राॅ एक पर्सन हो सकता है बिल ऑफ़ एक्सचेंज केस में ड्राॅ इन केस ऑफ चेक हमेशा बैंकर होगा पेबल ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल हो सकता है डिमांड पर और नहीं भी लेकिन चेक इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड क्रॉसिंग अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो उसको आप क्रॉसिंग क्रॉस कर ही नहीं सकते लेकिन अगर आपने एक चेक को क्रॉस कर दिया इसका मतलब उस चेक को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर यानी कि जो जो भी हमारा कोई भी कैश पेमेंट है कैन बी मेड ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रॉस चेक क्रॉस चेक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे प्रजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस एक बिल जो सबसे पहले प्रजेंट हुआ बाई ड्राइव फॉर एक्सेप्टेंस देन इज़ टू बी प्रेजेंटेड ऑन ड्यू डेट एक चेक सिर्फ प्रजेंटेड होता है बाई फॉर पेमेंट रीज़न फॉर डिसऑनर एक बिल में डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट एक चेक में डिसऑनर ओनली फॉर नॉन पेमेंट वैलिडिटी पीरियड बिल ऑफ एक्सचेंज केस में कोई भी नहीं होता मेचोर डेट इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली चेक वैलिड होता है फॉर मैक्सीम ऑफ सिक्स मंथस हावएर इट कैन बी ड्रॉन फॉर लेस देन सिक्स मंथ ऑल्सो तो कुछ बाकी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं सबसे पहला है इन लैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन एलेवन के अंडर एक प्रॉमसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राई इज़ ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तो इट शुड बी डी कि वो एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है एक इन लैंड कौन सा होता है विच इज़ ड्रॉन इन इंडिया एंड ऑल्सो पेबल इन इंडिया द ड्रॉन इन इंडिया और अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो कि स्टेटेड भी हो और पेबल भी हो एक फॉरन कंट्री में एक प्रामिसरी नोट मेड इन दिल्ली एंड पेबल इन बॉम्बे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन दिल्ली एंड मेड पेबल इन बॉम्बे इट मे हैव बीन ड्रॉन अदर रेसिडेंट अब्रॉड जैसे कि लंदन नेक्स्ट है हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन ट्वेल्व के अंडर तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा एक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट सो ड्रॉन विच इज़ मेड और मेड पेबल दैट इट मे बी कॉल्ड ऑन इनलैंड उसको हम डीम कर सकते हैं एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट तो फ़ॉर इंस्ट्रूमेंट एक इन लैंड इंस्ट्रूमेंट जौन सा नहीं होता उसको हम फॉरन बोल देते हैं एक प्रोमिसरी नोट जो इंडिया में है बना है बट पेबल होगा इंग्लैंड में एक प्रोमिसरी नोट जो कि इंग्लैंड में बना है और पेबल होगा इंडिया में एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि इंडिया में बन रहा है लेकिन पेबल होगा इंग्लैंड में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंग्लैंड बट जो पेबल होगा वो इंडिया में एक बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ड्रॉन इन इंग्लैंड एंड पेबल इन पेरिस ऑल दो इट मे हैव बीन इंडोर्स इन इंडिया तो थर्ड है हमारा ऑर्डर या फिर बियर इंस्ट्रूमेंट इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी वैसे मैं बता देती हूँ ऑर्डर एक बेसिकली वो होता है जिसके अंदर एक चेक का एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है अगर एक चेक में आप नाम लिख रहे हो किसी पर्सन का मिस्टर जॉय तो वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है अगर आप बियर की बात कर रहे हो बियर वो होगा हो जिसके अंदर आप बाई सेल्फ टू सेल्फ वो लिख रहे हो फोर्थ है हमारा इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड तो ये चीज़ भी हम कर चुके हैं जब इंस्ट्रूमेंट नो टाइम स्पेसिफाइड है पेबल एट साइट या फिर पेबल ऑन प्रजेंटमेंट इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड एक प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड बट नॉट अ चेक एक प्रोमिसरी नोट या फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सप्रेस टू पेबल अदरवाइज देर नॉट डिमांड एंड नॉट अ चेक सबसे पहला होगा व्हेन इट इज़ मेड ऑन वन डेट बट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सम अदर फ्यूचर डेट एग्जांपल देख लो बिल ऑफ़ एक्सचेंज ड्रा किया गया फर्स्ट जैन को बट कुड बी एक्सप्रेस और पेबल ऑन फर्स्ट अप्रैल सेकेंड वेन द पेमेंट इज टू बी मेड एट सर्टन पीरियड आफ्टर डेट तो बिल ऑफ एक्स तो एग्जाम्पल होगा हमारा एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमने फर्स्ट हैंड को ड्रॉ करना है विच कुड बी एक्सप्रेस टू तो बी पेबल टू मंथ्स आफ्टर डेट आप एक पर्टिकुलर डेट भी बोल सकते हो या फिर टू मंथ्स बोल सकते हो थ्री मंथ्स बोल सकते हो थर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन वेन मेड एट सर्टन पीरियड आफ्टर साइट या फिर एक प्रोमिसरी नोट और नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ़ एक्सचेंज इज एक्सप्रेसड To be payable after lapse of certain period, after happening of certain event. मतलब अगर A particularly B को goods supply करेगा, तब A C को goods sell करेगा, या payment करेगा. Sixth है हमारा time instrument. तो bill of exchange या फिर एक promissory note payable कब होगा? After a fixed period, payable after sight, payable एक specific day पे. पेबल ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन तो उसको हम टाइम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे तो पेमेंट आफ्टर साइट मीन्स फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आफ्टर एक्सेप्टेंस या फिर एक प्रोमिसरी नोट मीन्स आफ्टर प्रजेंटमेंट फॉर साइट सेवेंथ है हमारा अकोमोडेशन बिल एक बिल विच इज़ ड्रॉन एक्सेप्टेड और इन फॉर कंसिड्रेशन तो वो एक जेनुन रेट बिल होगा वेन इट इज़ ड्रॉन एक्सेप्टेड या फिर इन विदाउट एनी कंसिड्रेशन तो उसको हम अकोमोडेशन बिल बोलेंगे एग्जाम्पल ए को नीड है थाउजेंड रुपीज़ की वो अप्रोच करता है अपने फ्रेंड बी को फॉर बॉरिंग द अमाउंट बी उस पोजिशन में नहीं है कि वो उसको लेंड करे लेकिन वो सजेस्ट करता है कि ए एम आई ड्रॉ अ बिल ऑन हेम ताकि वो वो एक्सेप्ट कर पाए तो और अगर क्रेडिट पे ए लेता है तो ए का जो क्रेडिट है अगर वो अच्छा है तो उसको बिल डिस्काउंट हो सकता है विद जो बैंकर है तो ड्यू डेट पे ए पे कर सकता है रुपीज थाउजेंड वो हु बिल तो बिल इस केस में एकोमोडेशन बिल कहलाएगा वैसे तो जो हमने ये हमने एक्स्ट्रा सेवन किए हैं ये जनरली नहीं पूछते हैं लेकिन अगर फिफ्टीन मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन करो काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो उसमें आप थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए एक्स्ट्रा सेवन पॉइंट्स लिख सकते हो इन सब जो एक्स्ट्रा सेवन है इनका अगर आप सिर्फ़ एक फ्लो चार्ट ही बना आया होगा सिर्फ ना नाम के साथ तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वैसे मेन थ्री हमारे प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ही है तो विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया चैप्टर वैसे ही फिफ्टीन मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर फिफ्टीन में नहीं तो फाइव में तो फॉर श्योर ये आपको दिख ही जाएगा so thank you for watching the video please like the video and subscribe to our channel become